देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। गहलोत गुट के एक विधायक बड़े चर्चा में है, राजनीति की वजह से नहीं बल्कि अपनी बीबियों की वजह से। बिल्कुल, राजस्थान की झुंझुनू कांग्रेस के विधायक और सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार राजकुमार शर्मा इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। हालांकि सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा इस समय विदेश यात्रा पर है, लेकिन राजस्थान में उनका ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी चर्चा का विषय राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है, जो उनकी बीवियों से जुड़ा है। उनकी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन पत्नियां हैं और इसका खुलासा खुद उनकी पत्नी ने किया है। उनकी एक पत्नी डॉक्टर रूपा माथुर ने पारिवारिक न्यायालय में 1.5 लाख रुपए महीने का भरण पोषण का दावा करते हुए उनकी दो और पत्नियों की जानकारी दी है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का एक पिछले माह का वीडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वे समाज किस दिशा में जा रहा है जैसे विषय पर समाज को संयुक्त परिवार में रहने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही चेता रहे हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। पिछले कुछ दिनों में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर तरह तरह के आरोप लगे हैं और चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टर रूपा माथुर की ओर से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के खिलाफ दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी शादी 24 जुलाई 2009 को हुई थी। उनके एक बेटा है जो उनके ही पास रहता है, यानी कि रूपा माथुर के पास। 2009 में राजकुमार शर्मा राजस्थान की राजनीति में खासे सक्रिय हो गए थे। बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर नवलगढ़ विधायक बन चुके थे। पत्नी डॉक्टर रूपा माथुर का आरोप है कि राजनीतिक करियर बनने के बाद पति राजकुमार शर्मा का व्यवहार बदल गया था। वे लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। रूपा ने निजी अस्पताल में सितंबर 2010 में बेटे को जन्म दिया। विधायक राजकुमार शर्मा ने बेटे के जन्म पर एक फॉर्म पर साइन तक नहीं किए थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में फिर जीतकर विधायक बनने के बाद रूपा माथुर ने जब साथ चलने को कहा तो राजनीतिक व्यस्तता बताकर टाल दिया। राजकुमार शर्मा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री के पद पर रहे थे और रूपा माथुर अपनी मां के घर पर रही थी। दावा है कि राजकुमार शर्मा उनसे मिलने वहां पर कभी कभी जाते थे। माता पिता से मिलवाने की बात पर लगातार वो कहती थी लेकिन टाल दिया जाता था। आरोप है कि साल 2017 में दुबई जाने के दौरान राजकुमार शर्मा ने रूपा माथुर को फोन तक नहीं किया था, ना ही फोन उठाया। उनसे मिलने के लिए बेटे को साथ लेकर गांधीनगर क्वार्टर पर गई तो उनके साथ मारपीट हुई और अब रूपा ने पति राजकुमार से अपने दैनिक कार्यों और बेटे की पढ़ाई और भरण पोषण के लिए 1.5 लाख रुपए महीना मांगा है। बात ये भी सामने आई कि डॉक्टर शर्मा के तीन तीन पत्नियां ही नहीं बल्कि पांच पांच बच्चे भी हैं, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। सीएम सलाहकार की पत्नी डॉक्टर रूपा माथुर के भरण पोषण के दावे और उनके प्रार्थना पत्र में दी गई जानकारी के बाद नवलगढ़ विधानसभा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। डॉक्टर रूपा माथुर ने न केवल खुद को सीएम सलाहकार शर्मा की पत्नी बताया बल्कि उन्होंने बताया है कि परमजीत कौर नाम की उनकी एक पत्नी दुबई में रहती है जिनसे उनका तलाक हो चुका है। वहीं उनकी एक और पत्नी निशा है जिनसे भी उनका तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कुल मिलाकर तीन तीन पत्नियां और तीनों की तीनों से डॉक्टर शर्मा का रिश्ता टूटना, ये मामला व्यक्तिगत जरूर है लेकिन डॉक्टर शर्मा का राजनीतिक व्यक्तित्व होने के चलते अब ये सियासी रंग लेता जा रहा है। अब इसे ऐसे में सभी को डॉक्टर शर्मा की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग खबरों के इस नए अंदाज के साथ मनोरंजन से लेकर राजनीति तक की हर खबर से आप रहेंगे अपडेट द फैक्ट इंडिया के साथ। डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।